ફિલ્મ્સના ગ્રુપ સીએફઓ નીરજ જૈન જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર ચર્ચા કરવા માટે અને સાથે જ કેવી રીતના આઉટલુક બને છે એ ચર્ચા કરવા માટે. શુક્રિયા નીરજજી જોડને કે લીએ. સબસે પહેલે શરૂઆત FY22 પૂરા કૈસા થા એક સ્નેપશોટ સે કરે, ક્યુંકિ ડિમાન્ડ કન્ડિશન કાફી બહેતર થી હમ લોગ યે જાનતે ભી હૈ ઓર એન્યુઅલ બેસિસ પે અગર દેખે તો આપકે ઓપરેશનલ પરફોર્મન્સ મે ભી વો હાઇલાઇટ હો રહા હૈ, નિયરલી 46% કા ગ્રોથ એબિટા ફ્રન્ટ કે ઉપર. એક આઈડિયા આપકી તરફ સે કિસ તરીકે સે ઓવરઓલ પરફોર્મન્સ રહા હૈ, ડિમાન્ડ કન્ડિશન કિસ તરીકે સે વર્કઆઉટ હો રહી હૈ? આપકો ઓર આપકે સભી દર્શકો કો નમસ્કાર. देखिए FY22 हमारे लिए एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रही है. कंपनी ने 620 करोड़ रुपी का इबिडिटा किया है, विच इज़ क्लोज टू 20%, विच इज़ ऑलमोस्ट 68% पैट इंक्रीज कंपेयर टू लास्ट ईयर. हम अपने बिजनेस को एक्चुअली दो ब्रॉड पार्ट्स में देखते हैं, एक स्पेशलिटी वैल्यू एड बिजनेस और एक प्लेन वनीला BOPP पैकेजिंग फर्म. स्पेशलिटी बिजनेस काफ़ी सिग्निफिकेंट मार्जिन बेटर बिजनेस है और एक स्टेबल मार्जिन बिजनेस है. हमने एज ए स्ट्रेटजी कुछ सालों से धीरे धीरे स्पेशलिटी फिल्म का मार्जिन बढ़ाते जा रहे हैं. ओवरऑल परसेंटेज हमारा 63% ऑफ वॉल्यूम टर्म्स में स्पेशलिटी फिल्म से आने लगा है, जो कुछ सालों पहले 25% होता था. उससे बिजनेस मॉडल में काफ़ी स्ट्रेंथ आई है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं मार्जिन इंक्रीज होते जा रहे हैं. ग्रोथ प्लान में भी हम कंपनी के लिए ऑलमोस्ट 60% से कैपेसिटी इंक्रीज करने वाले हैं फॉर फिल्म बिजनेस के लिए. ये फेसेस में आएगी अगले 3 सालों में, जो डेफिनेटली फिर बॉटम लाइन पे ऐड करेगी. फिल्म बिजनेस के अलावा हमने दो और बिजनेसेस में शुरुआत की है. एक हमारा स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है और एक पेट केयर बिजनेस है अंडर ब्रांड नेम जिगली. स्पेशलिटी केमिकल में हमारा तकरीबन 90 करोड़ रुपए का सेल इस साल रजिस्टर हुआ है और उसमें हम इस काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं अगले कुछ सालों में. जो हाई रोजी बिजनेस होगा, इससे कंपनी की ओवरऑल रोजी में बढ़ोतरी की पॉसिबिलिटी रहेगी. साथ में हमने पेट केयर का जो बिजनेस किया है जिगली के नाम से, जिगली में पेट्स से रिलेटेड सभी नीड्स की उसकी टेक केयर करने की कोशिश करेंगे हम, जिसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी, प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होगा और हम उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख रहे हैं अगले कुछ सालों में. ये एक ऐसी इंडस्ट्री है एक्चुअली जो ऑलमोस्ट 30% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है और उसमें हम काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं. इन नए बिजनेसेस को कंसीडर करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस साल रिकमेंड किया है कि कंपनी का नाम कोस्मो फिल्म्स लिमिटेड से कोस्मो फर्स्ट लिमिटेड किया जाए, क्योंकि अब ये ओनली फिल्म बिजनेस नहीं है, बाकी बिजनेसेस भी. अग्रीड सर. मुझे आपके एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में भी कुछ बात करनी थी, क्योंकि आपने पिछली बार बताया था कि आप CPP फिल्म्स में एक्सपेंड करने वाले हैं और यहाँ से जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस की भी आपने बात की, क्योंकि FY23 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक आइडिया कैसे शेपअप होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वर्कआउट होगा और नए जो एरियाज आप एक्सपेंड कर रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से रेवेन्यू पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एक आइडिया इसके ऊपर. फर्स्ट ऑन फिल्म बिजनेस में हमने 3 कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे. तकरीबन 20% कैपेसिटी इंक्रीज कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से इंक्रीज होगी FY23 में, जिसमें हम स्पेशलाइज्ड बॉपिट लाइन शुरुआत करेंगे. स्पेशलाइज्ड बॉपिट लाइन एक पीरियड में ज़्यादातर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाएंगी, जो इसमें एक की प्रोडक्ट इंक्लूड होगा हीट रेसिस्टेंट और हीट कंट्रोल फिल्म, जो आप देखते हैं ऑफिसेज में, घरों में जो विंडोज़ पर लगती है. तो ये एक मेन क्रिटिकल प्रोडक्ट होगा जो हाई मार्जिन बिजनेस है काफ़ी. सेकंड फेज में जो ग्रोथ आएगी वो CPP प्रोडक्शन लाइन से होगी, जो कि सस्टेनेबिलिटी को स्पेसिफिक फोकस करने के लिए कंपनी ने लॉन्च की है. इसमें क्या होता है कि मोनो लेयर्ड रॉ मटेरियल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फुली रिसाइकलेबल ये फिल्म होती है. थर्ड फेज जो ग्रोथ का होगा वो BOPP फिल्म आएगी FY25 में, और BOPP की जो एडिशनल कैपेसिटी होगी वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोडक्शन लाइन पर होगी, तो लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको उसमें दिखाई देगा.
तो इन तीन प्लान के साथ हम एक्सपेंड करेंगे फिल्म बिजनेस में। स्पेशलिटी केमिकल में हमने FY 22 में ऑलरेडी कैपेसिटी बना ली है, टेक्सटाइल केमिकल पे भी, मास्टर बैचेस पे भी और एडहेसिव पर भी। अब आप FY 23 में उसमें बिजनेस में स्केल अप देखेंगे, सो FY 23 स्केल अप का पीरियड होगा हमारे लिए स्पेशलिटी केमिकल के लिए। हमारे थर्ड बिजनेस पे पेट केयर पे हम काफी ग्रोथ देखेंगे FY 23 में। हम नए स्टोर्स 15 से 20 के आसपास हम नए स्टोर्स ओपन करेंगे और साथ में ऑनलाइन सेल को काफी सिग्निफिकेंट फोकस देने वाले।